दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने लैपटॉप में इस तरह जो है वॉलपेपर कैसे लगा सकती हैं। देख सकते हैं हमारे लैपटॉप में इस तरह बन रहा है। आप भी अपने लैपटॉप में इस तरह का जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं आसानी से। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी अपने लैपटॉप में इस तरह का जो है वॉलपेपर लगा सकती हैं। अपने हम माउस को अगर नहीं रोटेट करेंगे, थोड़ा सा भी नहीं हिलाएंगे, मूव नहीं कराएंगे, तो देख सकते हैं पूरा जो है हमारा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। और हम अपने माउस को अगर थोड़ा सा भी हम हिलाएंगे, थोड़ा सा भी मूव कराएंगे, चाहे इधर भी हम मूव कराएंगे, थोड़ा सा भी हिलाएंगे इसे माउस को, तो इस तरह का जो है हमारे लैपटॉप में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अपने माउस पॉइंटर को थोड़ा सा भी मूव कराएंगे, थोड़ा सा भी हम हिलाएंगे, तो इस तरह जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम अपने माउस पॉइंटर को छोड़ देंगे तो पूरा स्क्रीन जो है हमारा ब्लैक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस तरह आप अपने लैपटॉप में लगाना चाहती हैं तो कैसे लगा सकती हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब हम लोग जान लेते हैं कैसे इसे अपने लैपटॉप में आसानी से सेट कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देख लेना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर सर्च करना है लाइवली वॉलपेपर। क्या सर्च करना है? लाइवली वॉलपेपर। आपको लिख करके लाइवली वॉलपेपर लिख करके आपको सर्च करना है सर्च बार में। लाइवली वॉलपेपर लिख करके आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ गया लाइवली वॉलपेपर का। यहाँ पर हमने इसको डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन करने के लिए बोल रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम ओपन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह जो है आपका जो आएगा यहाँ पर गेट का ऑप्शन, दूसरे वाले में देखिए इसे हमने डाउनलोड नहीं किया है, इसे हमने डाउनलोड नहीं किया तो यहाँ पर गेट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको गेट के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है ये पहले सॉफ्टवेयर को। तो इसे आपको पहले वाले सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने ओपन कर दिया। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे, जैसा कि आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको हम अपना दूसरा लगा के दिखाते हैं, जैसा कि हम इस वाले के क्लिक कर दिए। आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर किस तरह का जो है आपके लैपटॉप में स्क्रीन पे किस तरह जो है बनेगा। तो हम इस वाले को लगा देते हैं, इस पर हमने डबल क्लिक कर दिया, अब हमारा जो है सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारे लैपटॉप में ये जो है चेंज हो गया, वॉलपेपर चेंज हो गया। तो आप भी अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं आसानी से। अब हम आपको अपने जो है हमने लगाया था वही हम आपको करके फिर के दिखाते हैं, फिर से आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप उसको जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह जो है बन रहा है यहाँ पर तीसरे नंबर पे। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया डबल, डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो है सेट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया, पूरा का जो है वॉलपेपर हमारा पूरा पूरा चेंज हो गया। इस तरह जो है आप जो भी मन करे आप लगा सकते हैं और अपने लैपटॉप में बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और आप गेम जो है खेलते हैं, जो भी गेम खेलते हैं छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, छोटे बच्चे बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। इस तरह जो है अपने माउस को थोड़ा सा हिलाएंगे तो इस तरह जो बनेगा और अलग अलग कलर में बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो आप अपने लैपटॉप में आसानी से सेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।